हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये फेलो ट्रेवलर के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेल खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट, और जो खेल, लाइक बीइंग चेस्ट, जो कि पीछा किया जा रहा था। दिस ह्यूज, इस विशाल, लंबरिंग, भारी भरकम, विंडमिल पंखधारी, ऑफ ए क्रिएचर, एक प्राणी का, जो कि एक पंखधारी प्राणी का पीछा किया जा रहा था। हु टेस्टेड सो गुड, जो कि बहुत रुचि लेता था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और इतना असहाय मालूम होता था लेखक को, कह रहा है मतलब लेखक अपने को असहाय मान रहा है। एंड सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख मालूम होता था। आई बिगेन टू इंटर, लेखक प्रवेश करना शुरू किया द स्पिरिट ऑफ द फेलो, सहयात्री के भावना के बारे में, ठीक है, सहयात्री के भावना के बारे में प्रवेश करने के लिए शुरू किया। ही वाज नो लॉन्गर मेयर इंसेक्ट, वह एकमात्र कीड़ा नहीं था। लेखक कह रहा है कि वह मात्र एक कीड़ा नहीं था। ही वाज डेवलपिंग इंटू ए पर्सनालिटी, वह पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व को डेवलपिंग कर रहा था, विकसित कर रहा था। एन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता को विकसित कर रहा था। दैट चैलेंज्ड, जो चुनौती दे रहा था। द पजेशन ऑफ हिज कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में अपने अधिकार का। विथ मी, लेखक के साथ। ऑन इक्वल टर्म, समान संबंध का जो है वो चुनौती दे रहा था। आई फेल्ट माई हर्ट, लेखक अपने दिल को एहसास किया। वार्निंग की, वो चेतावनी दे रहा है। टुवार्ड्स हिम, अपनी ओर से, उसकी ओर से वो चेतावनी है। एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी, और लेखक की सुपरियरिटी, जो उच्चता की जो भावना होती है, वो फेडिंग, समाप्त होने लगी। हाउ कुड आई फील, लेखक कैसे महसूस कर सकता है। सुपीरियर, श्रेष्ठ। टू ए क्रेचर, एक श्रेष्ठ प्राणी, क्रेचर कैसे जो है महसूस कर सकता है। हु वाज सो मैनिफेस्टली मास्टर, जो कि उस पर अपना मालिक का अधिकार जमा रहा था। इन द वनली कंपटीशन, प्रतियोगिता में, देखिए, तो हुआ सो मैनिफेस्टली मास्टर इन वनली कंपटीशन, जो कि प्रतियोगिता में खुल करके मालिक बन रहा था। खुल करके जो है ये जो कंपटीशन हो रहा था, वो खुल करके अपने आप को मैनिफेस्टली मालिक का प्रभुत्व जमा रहा था। इन विच, जिसमें, वी हैड एवर एंगेज, जिसमें सदा लेखक शामिल हुआ था। वाई नॉट बी मैग्निमस अगेन, दोबारा क्यों ना उदार हो जाए। मैग्निमिटी, उदारता, एंड मर्सी, और दया ही वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, मनुष्य के श्रेष्ठ गुण होते हैं। एट्रीब्यूट मीन्स गुण होता है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस, इन सब का अभ्यास करके, हाई क्वालिटी, जो ऊंचे गुण हैं, इन हाई गुण को का अभ्यास करके, आई कुड रिकवर, लेखक दोबारा प्राप्त कर सकता है। माई प्रेस्टीज, अपने सम्मान को, लेखक अपने सम्मान को प्राप्त कर सकता है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वाज ए रेडिकुलस फिगर, लेखक एक उपहास का पात्र हो गया था। ए थिंग ऑफ लाफ्टर, हंसी की बात उस पर चल रही थी। एंड डेरिजन, और उपहास हो गया, और उस पर जो है उपहास हो गया था, और उस पर जो है उपहास की भावना हो गई थी, लेखक ऐसा सोच रहा है। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान हो करके, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, लेखक जो है डिग्निटी, मॉरल डिग्निटी, जो कि नैतिक जो सम्मान है, वो आदमी का जो नैतिक सम्मान होता है, वो दोबारा न मांग कर सकता है। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और लेखक कोने में अपना वापस जाकर बैठता है, विथ आनर, सम्मान के साथ।
तो आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, लेखक मृत्यु के सजा को वापस ले लेता है। आई सेड, लेखक कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, वापस सीट पर जाते समय। आई कैन नॉट किल यू, लेखक कह रहा कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, लेखक ही करता है। आई टुक अप माई पेपर, लेखक अपना पेपर लिया। एंड ही केम, और वह आया। एंड सेट ऑन इट, और उस पेपर पर, मतलब वह, मतलब जो है ये उसका जो सहयात्री है वो आया। एंड सेट ऑन इट, और उस पेपर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेट, लेखक ने कहा, मूर्ख साथी, लेखक ने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, तुम स्वयं को समर्पित कर दिए हो। इन टू माई हैंड्स, मेरे हाथ में। द लेखक कह रहा है कि तुम मेरे हाथ में अपने जिंदगी को समर्पित कर दिए हो। आई हैव, मेरे पास है, बट यू गिव दिस रिस्पेक्टेबल, लेकिन मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ। मेरे पास अधिकार है कि मैं तुमको मार सकता हूँ, लेकिन ये सम्मान तुम्हें देता हूँ। वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, और जो ये जो वीकली जो पेपर जो लिए हैं, इस पर जो है भेज दूंगा। बोथ द कवर्स, और ये जो दोनों पेपर्स को से तुमको ढक दूंगा। देन यू आर ए कार्पस, तब तुम लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एंड आर्टिकल पीस ट्रेप्स एंड एनोदर द मॉडेस्ट ऑफ मिस्टर हब्स की, मतलब जो हेडिंग लिखी है, कह रहा है कि वो दोनों के बीच में तुम्हारी कचूमर निकल जाएगी। ठीक है, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेखक कह रहा कि लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, लेखक कह रहा कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। एंड आई शैल सेटिस्फाई यू, और मैं तुमसे संतुष्ट हो जाऊंगा व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, ये विशाल जानवर जो कहता है, मतलब लेखक जो कहता है। थिंग, जो बात कहता है, ही मीन्स, उसका मतलब यही होता है। मोर एवर, और भी इस बात में दम है कि आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, कि मैं तुम्हें मारने की इच्छा नहीं करता हूँ। लेखक कह रहा है कि तुम्हें मारने की मेरी इच्छा नहीं है। थ्रू नोविंग यू बेटर, आप माध्यम से तुम्हें जान करके, तुम्हें अपने माध्यम से अच्छा जानता हूँ। आई हैव कम टू फील, मुझे एहसास होने लगा है। सेल आई से, क्या मैं कह दूं, ए सार्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुमसे एक प्रकार का प्रेम हो गया है। आई फैंसी, मेरा मानना है, दैट सेंट फ्रांसिस, जो एक सेंट फ्रांसिस थे, संत थे, जो कि प्राणियों पर प्रेम का भाव दिखाते थे, जो कि सभी जीवों को प्रेम करते थे, तो वुड हैव कॉल्ड यू, वो लेखक कह रहा है कि वो तुम्हें कहे होंगे, लिटिल ब्रदर, छोटा भाई, वह तुम्हें छोटा भाई कहे होंगे। आई कैन नॉट गो सो फार, मैं इतना दूर तक नहीं जा सकता हूँ। लेखक कह रहा कि मैं उतना दूर तक नहीं जा सकता हूँ। दैट क्रिश्चियन चैरिटी, जो क्रिश्चियन लोगों के दान की बात होती है। एंड सिविलिटी, और शिष्टाचार की बात होती है, उतना दूर तक तो मैं नहीं जा सकता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज, लेखक कह रहा कि मैं पहचानता हूँ, ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, कि दूर का जो संबंध है, अधिक दूर का जो संबंध है, उसको तो मैं पहचानता ही हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, सौभाग्य है कि आप हमारे सहयात्री बन गए हैं। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी के रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा रुचि लिया। एंड यू हैव इंटरटेनमेंट, और तुमने
मेरा मनोरंजन किया, लेखक कह रहा है। द ऑब्लिगेशन, ये जो उत्तरदायित्व है, इज म्यूचुअल, परस्पर है, बराबर है, एंड इट्स फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और तथ्य के सिद्धांत पर आधारित है, दैट वी आर फेलो मॉर्टल, कि हम लोग नाश्वर साथी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जीवन का जो चमत्कार है, इज आवर इन कॉमन, वो सामान्य है, हमारे में सामान्य है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और रहस्य भी है। आई सपोज, मेरा मानना है, लेखक का मानना है, यू डोंट नो एनी थिंग, तुम कोई चीज नहीं जानते हो, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। आई एम नॉट श्योर, लेखक कह रहा है मुझे भी विश्वास नहीं है, दैट आई नो मच अबाउट मी माइंड, कि मैं अपने बारे में अधिक जानता हूँ। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, लेखक कह रहा है कि हम लोग वास्तव में, वास्तविक बात है, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, तुम इस पर विचार करोगे, तो ए गुड डील अलाइक, तो एक सामान्य बात होगी, जस्ट ए पर्सन, जैसे जैसे आत्मा की बात हुई, जैसे जैसे प्रेत आत्मा का अगर आभास करना हो, तो लोग, हम लोग सामान्य में होंगे, आर देन आर नॉट, या तब नहीं होंगे, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो कि रात जब समाप्त होती है, इनटू द लाइट कैरेज, मतलब रात की प्रकाश में आप आते हैं, बाहर से आते हैं, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, जो कि लैम्प के पास पड़ाते हैं, फॉर ए वाइल, थोड़े समय तक, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, जो, और जब रात जब बीत जाती है, तो आप चले जाते हैं, शायद लेखक का ऐसा मानना है। तो गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्या आप रात में यात्रा कर रहे हैं, सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की के पास आवाज ने कहा। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मित्रोत्कुली की आवाज थी। गिविंग में ये हिंट, जो लेखक को संकेत दे रही थी, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, की यह लेखक का स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, लेखक ने उनको धन्यवाद दिया, पुलिस धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, की लेखक कहा कि मैं उग रहा था, एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, लेखक अपने हैट और छड़ी को उठा करके, आई वेंट इन टू द कूल समर नाइट, और लेखक गर्मी शांत ये ठंड गर्मी की रात में से डिब्बे से बाहर आया। एज आई क्लोज द डोर, जैसे लेखक दरवाजा बंद किया ऑफ द कंपार्टमेंट डिब्बे का, तो आई सा माई फेलो ट्रेवलर, लेखक अपने सहयात्री को देखा, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, जो लैम्प के पास फड़फड़ा रहा था। तो धन्यवाद, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।